2 साल बीता जाता है मैंने, लेकिन लोकतंत्र नहीं बना देता। आतंकवाद के अंदर भी ऐसा वातावरण नहीं, जरा वातावरण इस वेले अमरिंदर की सरकार ने पंजाब के अंदर पैदा किया, उस वेले भी पोलिटिकल पार्टियां अपनी स्टेजा बना दी थी, उस वेले भी पोलिटिकल पार्टियां अपने आंदोलन कर दिया थी, कोई स्टेज पे नहीं आता, कोई स्टेज पे आके हत्या नहीं करता। लेकिन आज हालत उसको बदतर है, एक विशेष पार्टी नूं भारतीय जनता पार्टी नूं रोकना उसे तो डर की है। मैं प्रश्न खड़ा करना चाहना कि लोकतंत्र क्या डंडिया नाल चलेगा, लोकतंत्र क्या पत्थरबाजी नाल चलेगा, लोकतंत्र क्या शाही फटके चलेगा? लोकतंत्र डंडिया नाल नहीं चलता मुख्यमंत्री जी, लोकतंत्र लोगों द्वारा चलता है, जनता ईश्वर है, जनता निर्णय करती है कि किला पक्ष ठीक है किला पक्ष गलत है। लेकिन पंजाब के अंदर भारतीय जनता पार्टी कार्यक्रम नहीं करेगी, भारतीय जनता पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकती, और नरंग का कसूर यह है कि वह अमरिंदर दिया 4 साल दिया नाकामियां गिना लेंगे। इस करके हम आवाज दबाने की कोशिश, कैप्टन साहब बीजेपी की आवाज ना अमरजेंसी च बंद हुई सी, ना तोड़िया गोलियां लाठियां डंडे जड़े है इस आवाज नू बंद कर सकते। लोकतंत्र ने सानू अधिकार दिता है, जिहड़ा लोकतंत्र दूसरिया पार्टियां नू तरने लाने का अधिकार दिता है, जिहड़ा लोकतंत्र दूसरिया पार्टियां नू जलूस कढ़न का अधिकार दिता है, उही लोकतंत्र उही संविधान भारतीय जनता पार्टी नू अपना पक्ष रखने का अधिकार दिता है। और भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा पंजाब के भाईचारे पंजाब की एकता ले, पंजाब के अमन ले, पंजाब की शांति ले अनेक बलिदान दिए, बाकी पार्टियां ने भी दिए, लेकिन अब कोरोना के लोगों को पंजाब का अमन पंजाब की शांति जी है वह चंगी नहीं लगी। अब पंजाब के अंदर हिंदू सिख करने की कोशिश हो रही है, लेकिन ऐसा ताकत ना आतंकवाद से सफल हुई है ना हूं सफल होगी। उदो भी यह ताकत हारिया सी, पंजाब च हिंदू सिख का भाईचारा जितया सी, रोटी बेटी के रिश्ते दिते सी, अज भी पंजाब के अंदर हिंदू सिख के भाईचारे की जित होगी। कोई जिनी मर्जी कोशिश कर ले इहदे च पाड़ नहीं रहन दिता जाएगा। भारतीय जनता पार्टी पंजाबी चाहे हिंदू है चाहे सिख है चाहे दलित है चाहे ओबीसी है सबका सम्मान अधिकार है पंजाब के, और सबनी राखी रही हमेशा कटिबद्ध है पंजाब का अमन पंजाब की शांति। सबका सम्मान अधिकार है पंजाब के, और सबनी राखी रही हमेशा कटिबद्ध है पंजाब का अमन पंजाब की शांति दे रही।
पंजाब से और सबनी राखी रही हमेशा कटिबद्ध है पंजाब का अमन पंजाब की शांति दे रही। अरे मैं ये कह रहा हूं कि किसान की आड़ से कोई भी व्यक्ति हो जेड़ा इस प्रकार का कृत करता है जेड़ा इस प्रकार लोकतंत्र अपनी लाठी नाल डंडे नाल पत्थर नाल हाकना चाहता है क्या लोकतंत्र के अंदर यदि इजाजत मिल सकती है क्या जवाबी नहीं जो उनका ऑफिशियली हाउस है वाजपेयी का हमको पता नहीं भैया को कहाँ कहाँ रहते हैं हमको तो सरकारी जवाब का ही पता नहीं। अश्विनी जी वो जल्दी भाई कर रहे हैं ना मेरे कमरे न मानसिकता पता चलती है कि वो पंजाब को किड़ी राह से पाना चाहते हैं। उन्होंने निंदा भी की है
ਕਿੱਤਾ ਪਤਾ ਚਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਰਾਹ ਤੇ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।